6000, 60000 हो गए। आगे देखो, आगे है दयाराम नेता। ये दयाराम नेता का कितना है? इसका तो बहुत रुपया है, कितना है? 8500। इसमें 2 जीरो लगाओ। ठीक, क्योंकि ये साला नेता है ना। हाँ, तो नेता के 2 जीरो लग गए। 2 जीरो और किसका कितना है? और जिसका जिसका है, कम कम है, थोड़ा थोड़ा है, 10000 से नीचे है सर। बताते जाओ। और इसका है, ये नरेश का है, हरामखोर का। ये नरेश कहाँ का रहने वाला है? ये हरामखोर तखतपुर का रहने वाला है। इसका कितना है? इसका 8000 है। इसमें 1 जीरो लगाओ। 6, 80000 हुए। और ओ साहब, इसी तरह जितने घर है तखतपुर गांव में जी, सब में 1-1 जीरो लगा दो। इसमें खलील का पैसा भी है। खलील? हाँ, खलील वही, वो जो बकरी काटता है। हाँ वही। उसका कितना है? उसका 12000 है। राम को 2 जीरो लगाओ, साला बकरी काटता है ना। ठीक, हो गए हो गए। हाँ। अब ये रजिस्टर बंद कर दो। बंद कर दिया। नटवर लाल, ये है पैसा कमाने का तरीका। महाराज ने कोरवा शहर में किसानों का लगान माफ किया था और हमारे शासन काल में लगान वसूला जाएगा। यह मतलब, चलो हम तखतपुर गांव से शुरू करते हैं वसूलना, और उसके बाद जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। नटवर लाल, कहने वालों ने कहा है, और जो नजर चुराते शशकला देवी मेरे गाल पर चाटा मार कर गई है, हमको वो दिन भूला नहीं जा रहा है। जो नजर चुराते हैं, क्या नजर मिला गौर करिएगा। और बहुत प्यार करते हैं कन्हैया से हम, करते हैं
देखिए दोस्तों, इधर हमारे नेताजी आते हैं, देखिए आपस में क्या बातें होती है दोस्तों, कहानी क्यों करते हैं। हाँ नेताजी, क्या बात? कुछ नहीं, ड्यूटी कैद है, क्या करें। चलो गेट पर। अच्छी बात, अगर कोई आए तो खबर कर देना। अच्छी बात, आप बैठिए। इधर नेताजी बैठे रहते हैं और वही भवन सिंह पहुंचते हैं। कहानी किस मोड़ में जाती है आप लोग गौर करिएगा। राशन कार्ड बनवा बगैर है भैया, तो आइए हम नेताजी से मुलाकात करवाते हैं। अब हमारा कार्ड बनवा दे तू, मतलब हमका विधवा वाला कार्ड बनवा। विधवा वाला? हाँ। अच्छा, हाँ हम विधवा होंगे ना। अच्छा, तुम्हारे आगे पीछे कौन है? निकल जाओ भैया। अच्छा चलो, खाली दुठे नान नान महतारी बाप है। अच्छा, नानी नानी है क्या? हाँ, नान नान दुठे महतारी बाप है, तो हम कहा कार्ड बनवा ले। नहीं नहीं सही है, बनवा दे भैया। चलो आओ। हम कहीं सार भैंसा से बेरे से बेरे यहाँ मार खाए, हम तो मार खाए। परसों लड़ाई भाई, तुम अपने भैया के साथ भाग गई, अब पालकी आ गई, यह कौन मिजाज कर हमा मनुआई। एक चीज भाई, मुलगी मेहरगो न लावे चाहिए, ये ससुरी जब लड़ाई भाग भाग जात, जब मनवा चली आवत हमारे घर में, हम तो लड़ा ना करो, हम तुमका बहुत चाहिए तो लाहिस बहुते तक। यो बताओ, काहे हमको बुलाए? बुलावा ये खातिर है कि भैया, तो भैया भौजी ना लगा, बात यह है कि हाँ अपने इनते बता दे कि महाकाल हम सुंगा लगा। जब हम चला करें तो तुम साले हमारे आगे आगे अपनी तुम हिलाया करो। अच्छा, आगे आगे? और हम आगे को चल रहे तो तुम साले पीछे को भाग रहे हो। आगे आगे हम चले, पीछे मैं आंखें निकाल लियो तो पट देखा है। ये तखतपुर कितनी दूर है? सामने वाला है। ये सामने वाला? जी। ये तो करीब आ गए हम। एक काम करो। कौन सा? इस तखतपुर में सबसे पहले जी हमको दया राम नेता के घर ले चलो। चलो चलो, दुनिया सुधर गई लेकिन तुमको तमीज नहीं आई। तमीज कहां से आवे? नहीं आएगी, हम जानते हैं। नटवर
यही मकान है दयाराम नेता का, यही मकान है। क्यों रे, मकान तो बड़ा आलीशान बनवाया है नेता ने, आगे लगे रुपया कमी। जरा देखो नेताजी घर में है या नहीं है। अरे भाई इस घर में, अगर नेताजी घर में हो हाँ। तो इनसे बोल दो कोरबा शहर के भगवान भंवर सिंह आए हैं। अरे भाई जाओ, इस घर में घर है, ये क्या है, ये क्या है, इस घर में घर है। अरे पूछो घर में कोई है, खराब है तेरा। अरे भैया इस घर में कोई है, पूछो। अरे नेता जी है, उनसे बता दो महाराज भंवर सिंह कोरबा शहर से मिलने आए हैं और नटवर लाल आए हुए हैं। अच्छा जो नेता जी को बता दो महाराज भंवर सिंह कोरबा शहर से मिलने आए हैं। कौन आया है? चलो कौन नेताजी? जी हाँ नेताजी, तुम इस तखतपुर गांव के नेता हो। जी हाँ। देखो तुम एक काम करो, बोलो। हम तुम्हारे बंगले पर बैठे हैं और तुम अपने पूरे गांव को बुलवा लो और 12 साल का लागान जो महाराज विजय सिंह ने माफ किया था वो लागान अब वसूला जा रहा है। क्या? हाँ हम बैठे हैं और तुम अपने पूरे गांव को बुलाकर सबको सूचना दे दो ताकि एक घंटे के अंदर इस गांव का सारा लागान हमारे बही खाता में जमा हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये हमारे गांव के आदमी जो हमारे राजा साहब नियम लगा गए थे, आप वही नियम लागू रहेगा, कोई रुपया किसी को नहीं दिया जाएगा। देखो दयाराम, बोलो। वो राजा जब थे तब कानून चल रहा था, अब वो राजा नहीं है, अब इस कोरबा शहर के राजा हम हैं, तो कानून हमारा चलेगा या उनका चलेगा, तुम ही बताओ हमको। अच्छा हमरा चलेगा ना। अब तुम राजा हो क्यों नटवर लाल? ये नेता के बंगले से कोई खुसफुस खुसफुस की आवाज आ रही है, देखो जरा, देखो हमको कुछ दांत में काला लग रहा है, देखो। नटवर लाल, अरे मालिक साहब, अरे हरे अरे हरे, मालिक साहब क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आप हैं। कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। नटवर लाल, हम तो समझते थे दयाराम नेता इस जनता की भला कर रहा है, लेकिन दयाराम तो अपने बंगले पर अच्छी अच्छी कलियों को खिलाकर खुशबू ले रहा है। वाह वाह दयाराम, तुम्हारा जैसा नसीबा किसका है। नेताजी हमने कहा पूरे गांव को बुलाओ तो तुमने कहा नहीं, और ये 12-18 साल की लौंडिया तुम्हारे बंगले पर क्या कर रही हैं? देखो ये मेरा गांव है, मैं इस गांव का नेता हूं,
हर एक बहन बेटी हमारे यहाँ पर आया करती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो रहा है? देवराम, हमको तुम्हारी चाल सब मालूम हो रही है। तुम नेता की आड़ में अच्छी अच्छी लड़कियों को बुलाकर अपने बंगले पर ऐशो आराम करते हो, क्यों? नहीं देखो दयाराम, मेरा नाम भंवर सिंह है, वक्त बहुत कम है, इन सबसे कहो अपने अपने घर जाकर 12 साल का लगान लाकर जमा कर दे। नटवर बताओ उन लोगों का लगान कितना कितना बाकी है। तुम्हारा 80,000 रुपया है 12 साल में। 80,000? हाँ, उसको लेके आओ यहाँ जमा कराओ। और सुनो, यहाँ हो तुम, कम्बल है वो तुमका देंगे, यहाँ रजाई। और तुम्हारा रुपया है 13,000, जिसका 12 साल का ब्याज है 23,000। लेकिन भैया 50,000 रुपया लेके हमको दियो। के महाराज तो सब माफ कर दे हैं। माफ नहीं करिए, नए महाराज बने हैं। जय के घर में चूल नहीं जला, चूल अंतिम जला था। चलो ला। और तुम यहाँ तुम्हारा चूल कितने दिन नहीं जला? चलत है ना। तुम्हारा 19,000 रुपया सूद ब्याज मिला के बने हमें 56,750। नहीं, तुम अब पैसा लाओ जा, तुम आओ यहाँ। तुम्हारा पैसा सबसे कम है। हमारा? हाँ, कितना कम है? हमारा 90,000 रुपया है। 90,000, ठीक है। ये पैसा तुरंत तत्काल जमा करो, महाराज के, महाराज का ऑर्डर है। और ये पैसा कौन से नाम से है? ये तुम्हारा नाम क्या है पहले आप बताइएगा। आप तो आपने तो हमसे कह दिया कि ये तुम्हारा है, पहले नाम बताइएगा। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, आप बताइएगा। आपने तो कहा है कि 90,000 है मेरे नाम से, तो मेरा नाम बताइएगा ना। तुम्हारा नाम क्या है? अब मैं क्यों बताऊँ नाम अपना? पहले आप बताइएगा उसमें क्या लिखा है, फिर मैं बताऊँ। इसमें सिर्फ पैसा चढ़ता है बस, नाम तो नहीं मतलब है। तो ये पैसा कहाँ का? मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ, ठीक है? मुझे ये पैसे से कोई मतलब नहीं है। तुम नरेश के घर रहती हो ना? कौन नरेश? ठीक है, कहाँ के? वो चलो ठीक है, रुपया ला के तुरंत जमा करो और बाबूजी से फिर हम बात करते हैं। ये पैसा आखिर कैसे हो गया इतना? कैसे हो गया? हाँ, 14 साल का इसमें जो लगान महाराज। क्या बोला? क्या 14 साल का जो लगान था? अरे 14 बोलो। हाँ भाई, 14 जो 14 साल का लगान था वो हमारे महाराज ने माफ कर दिया था। हाँ, लेकिन ये जो महाराज बने हैं, अच्छा, ये 14 साल से वसूली करना शुरू कर दिए। नहीं महाराज बने? हाँ, अच्छा अच्छा। ये मंत्री भंवर सिंह है। हाँ, कहाँ से दिया जाएगा लगान माफ हो गया था? आप तो मच्छे अपन पर डबरी बेच के दियो आए। कहाँ से लेके दे आपको? जाओ पैसा वैसा लेके जमा करो। और हेलो, पैसा ना तो है और ना तो हम देंगे। और भैया, अगर फिरोज मेरी आवाज सुन रहे, हैदरगढ़ के रहने वाले हैं, ये घर मालिक के जाकर तुरंत तत्काल संपर्क कर लें। धन्यवाद। दयाराम कहिए, अगर पैसा नहीं जमा करोगे तो हमको गुस्सा आ जाएगा। अगर हमको कहीं गुस्सा आ गया तो तुम सबके सब जाओगे। हाँ, लेकिन जब पैसा हमारे लोगों के पास है नहीं, तब कहां से तुमको ला कर दें पैसा? पैसा नहीं है। दयाराम नेता, कर्जा देने से घर और किया अभी इन। कर्जा देने से घर और किया इंकार, अरे मार मार कर खींच लो बदन की तेरी।
कर्जा नहीं चुकाओगे तो मारे जाओगे। बोलो नेता। हमने बोल दिया कि ना तो पैसा है और ना तो मिलेगा, तुमको जो कुछ करना है करो, खड़ी करो। क्या कहा, क्या कहा? कर्जा नहीं चुकाएगी, नहीं चुकाएगी। मेरा नाम एक काम करो, लाठी उठाओ और पांच पांच लाठी सबके मारो और निकाल दो इनको तखतपुर गांव से बाहर। आज के बाद ये तखतपुर में नहीं रहेंगे। नटवर भाग गए सब, कोई बचा तो नहीं गांव में? एक काम करो, सबके घरों में ताले लगाओ, मोहर लगा, मोहर लगा, मोहर लगा, काल मोहर लगा, सब लग गया ताला। एक काम करो, तुम हमारे साथ महल चलो और तुम इन सब के खेतों में लाल झंडी गड़वा दो और आज के बाद तखतपुर गांव पर कड़ी नजर रखो। अगर चैन शान तखतपुर गांव लौट कर आया उसके सीने पर सीधा गोली मार दो। ये भंवर सिंह का फरमान है। चलता हूं यार, देखा जाएगा। खेल खिलाड़ी का, पेशा मदारी का। और साजन मेरा वो सोपार है, साजन मेरा वो सोपार है, सलवन के आगे वो चाहार है। सारे भाई साहब हमारा बना इतना भूल भूल रात भर मोती सी है, हैं? बताओ भैया, किसानन का बिचारन का महाराज कर्जा माफ कर दीन जी के 12,000 रुपए 12,00,000 कैसा रहोगा? कोई एक हीरा मारा भी निकाल दूंगा झमाई खेल का। देखिए दोस्तों, वही चंबल घाटी के मशहूर डाकू लोग दिखे आते हैं दोस्तों। आगे क्या होता है कहानी को करते हैं। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। सरदार कुछ कहना है? क्या कहना चाहते हो? सुनो, जरा साथियों गौर से सुनिए मेरी बात।
अरे भवरी सिंह को लूट लो चल कर रात साथ में खात किया है भारी सही कहते हो साथी चल कर याथी राती साथ में खात किया है भारी और मारो ऐसी मौत देख कर कांपे हर नर नारी साथ इतना गलत कर किया कि पिता को गोली तुम्हारे मारा खून के इल्जाम तुम्हारे सर पर चलो हम चलते हैं कोरबा शहर की तरफ और गिन गिन के बदले चुकाए जाएंगे अब वो जिंदा नहीं रहेगा हाँ सरदार जी जय मां भवानी की जय पोस्टन भा रहे हैं और कमीने और बाप का बदला सुनो अब मैं चुकाऊं के साथ सरदार जी बोलो हम लोगों को वो सेना पद भंवर सिंह मारकर तखतपुर से निकाल दिया है अब हम लोग यहां से भाग जाएंगे सरदार